गेहूं पर अंतर्राष्ट्रीय समूह बैठक का आगाज प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल तथा गेहूं व जौ विकास सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित की जा रही बैठक में यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, जॉर्डन, मोरक्को तथा भारत के उच्च कोटि के 200 वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समूह बैठक का मुख्य विषय जलवायु अनुकूल गतिविधियों से गेहूं उत्पादन में वृद्धि है तथा 6 उप विषयों में अनुवंशिकी उपायों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में अनुकूलता लाना, बदलते जलवायु परिवेश में जैविक दबाव, बढ़ते जलवायु परिवेश के संबंध में अजैविक दबाव, उत्पादकता वृद्धि के लिए संसाधनों की पहचान, बदलते खाद्य आदतें और जलवायु परिवर्तन के अनुसार उपज मूल्य संवर्धन तथा टिकाऊ खेती अपनाने हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं। बैठक का उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ. बी.एल. चोपड़ा ने किया तथा अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं विकास केंद्र मैक्सिको के महानिदेशक डॉक्टर मार्टिन ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बीएल चोपड़ा ने कहा कि जलवायु स्मार्ट प्रथाओं के माध्यम से गेहूं उत्पादकता में वृद्धि एक समय पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। उन्होंने कहा कि गेहूं की उत्पादकता शीर्ष बिंदु पर थी, इसलिए इसे अगले स्तर तक ले जाना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती थी। उपज के स्तर को तोड़ने के लिए संयंत्र को अधिक बायोमास तथा उत्पादन करने की अनुमति देने के लिए काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि संचालन प्रक्रियाओं को संशोधित किया जाए। Whatever we can do by manipulation of harvest results or by metabolic processes like photosensitivity, greater ability to uptake nutrients and so on, I believe the time has come when the exhausted resources will have to be re-looked at coming into the next stage. One of the ways, I suppose, would be to increase biomass, because if that is the major source for us to give yield advantages by restructuring plant ecotype to a greater harvest index, it will be necessary to do that. Are there opportunities of increasing biomass of wheat so that with the existing ability to convert it into economic yield, we'll be able to do that? I have both the advantage and disadvantage of being an ex-wheat worker. I started my career working on wheat. At that time, the responsibility given to me by Dr. Swaminathan was to develop a monosomic series into in C591 background. The issue was that the monosomic series of Dr. Sears was on Chinese spring background, and for us at that point of time, Indian Institute of Agriculture Research करनाल के निदेशक, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जेपी सिंह ने कहा कि हिमाचल गेहूं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादन के दौरान जो बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम में हिमाचल काफी सहायता करता है। हिमाचल के शिमला में भी प्रयोगशाला है जिसमें कई तरह की बीमारियों के कारणों को एकत्रित करके रखा जाता है और उनको वैज्ञानिक तरीके से समाप्त किया जाता है ताकि यह आगे ना बढ़ पाए। वहीं डॉक्टर जीपी सिंह ने कहा कि विश्व स्तर पर गेहूं उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर रहा है और भारत में 300 लाख हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादन में पिछले एक दशक में भारत आगे बढ़ा है। करीब 30 मिलियन टन उत्पादन गेहूं का उत्पादन भारत में होता है। पिछले 2 सालों में बढ़ा है रिकॉर्ड उत्पादन। भारत सरकार का लक्ष्य 100 टन गेहूं का उत्पादन का लक्ष्य है, लेकिन संस्थान ने 105 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य स्वीकार किया है। आप देखिए, भारत द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर कंट्री है।
और ये पिछले एक दशक में उसने अमेरिका और कन देशों को पछाड़ कर द्वितीय स्थान लिया है। गेहूं का जो रकबा है भारत में वो करीब करीब 30 मिलियन यानी 300 लाख हेक्टेयर का है और ये करीब करीब स्टेबलाइज्ड हो गया है, इसमें ना घटाव होता है ना बढ़ाव होता है। तो यानी अब जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट आएगा वो सब जो क्रॉप मैनिपुलेशंस हैं, जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है, एग्रोनॉमिक मैनिपुलेशन है, उसके जरिए आएगा। तो हमारा प्रयास है और विगत लास्ट के 2 ईयर में लगातार भारत ने रिकॉर्ड वीट का उत्पादन किया है और इस साल भारत सरकार का लक्ष्य 100 मिलियन टन का गेहूं उत्पादन करने का है। लेकिन कल मेरी बात हो रही थी फाइनेंशियल टाइम्स से, आप ही की शायद सहयोगी संस्था है, शैली माधवी, मैंने 105 मिलियन टन का वीट प्रोडक्शन का फोरकास्ट किया है इस बार, क्योंकि जो भी स्थिति है मौसम के हिसाब से और क्रॉप डिप्लॉयमेंट वैरायटल डिप्लॉयमेंट के हिसाब से हम निश्चित तौर पे कम से कम 105 मिलियन टन हार्वेस्ट करेंगे। जो 100 का टारगेट भारत सरकार ने फिक्स किया है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे 105 मिलियन टन। देखिए आप अगर देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था उसमें वैल्यू एडिशन एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट